भी सेंटर अलग अलग हम लोग रखे हैं, इस सेंटर पे भी और सेंटर पे भी लोग जा रहे हैं, लेकिन सेंटर पे ज्यादा आए हैं लोग, जब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है। और आश्चर्यजनक है कि जो सबसे ज्यादा लगा हो तो कमर के ऊपर ज्यादा मारा गया, कमर पे रीढ़ की हड्डियों पर और सर पे ज्यादा चोट लगी हुई है। और कई लोग तो फेंट कर जा रहे हैं, आ रहे हैं उनको टांग के लाया जा रहा है, वोमिटिंग है किसी को, बहुत ज़्यादा इसकी सीरियस है, तो हम लोग मेडिसिन दे के दवा दे के लोग आराम करने के लिए दे रहे हैं। और जैसा स्थिति है उसे संबंधित अलग अलग कोई प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, कोई सकें कहीं कहीं जो है उसके हिसाब से व्यवस्था हो रही है। इंजेक्शन दिया जा रहा है कि तत्काल रिलीफ हो, बहुत सारे का हार्ट टूटे हुआ है, उसके लिए एक्सरे संबंधित अस्पताल है कि आप जो दिखाया जा रहा है, तत्काल हम लोग यहाँ जो फर्स्ट एड जो है ट्रीटमेंट वो हम लोग कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा आश्चर्य है कि महिलाएं ज्यादा घायल हैं, महिला और बुजुर्ग जो है वो ज्यादा घायल है, यूथ को जो है उनको बहुत सारे पत्रकार लोग आए हैं जो स्वेलिंग जो है आपका बड़ा बड़ा स्वेलिंग है, जो ब्लड का ज्यादा क्लॉटिंग आ रहा है वहां पर जो है, इतना लोग का ट्रैक करके यहाँ जो ब्लड बहुत तेजी से रिसाव हो रहा है, तो ये स्थिति बहुत भयावह थी। कितने लोगों को अभी तक आपने? अभी तक हम लोग समय से यहाँ वाला सेंटर पे 350 हो चुका है, 350 लोग का ट्रीटमेंट। जी 350। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर राणा, आपका चिकित्सक। बहुत सारी बातें हमारे नेता आदरणीय रविशंकर जी ने बताया है। 13 तारीख की यह घटना पूर्व से घोषित कार्यक्रम पार्टी के द्वारा गांधी मैदान से विधानसभा तक के लिए मार्च, तो मार्च के क्रम में ही हम अपने साथियों के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रहे थे। डकबंगला चौक पर जैसे पहुंचे लगातार लाठियों का बौछार, बिना कोई संकेत बिना कोई पूर्व के थी, और लाठियों से जिस तरीका से प्रहार किया गया, हम लगता है कि कोई गुंडे ही इस तरीका से प्रहार कर सकते हैं, जान से मारने के नियत का प्रहार, सर पर भी हाथ पर भी बाजू पर भी हर स्तर से चारों तरफ से लाठियां चलाई गई। और मैं समझता हूं कि यह बौराई सत्ता ही कोई कर सकती है, बौरापन पे या सत्ता के मद में यह लाठीचार्ज। माननीय नीतीश जी, आपके जाने का जो ताबूत बना है उसका कील साबित होगा, लाठी से मार करके आप सत्ता नहीं चला सकते हैं, यह कोई परंपरा भी न पहले थी न आज है, आप इसको बंगाल और केरल भी नहीं बना सकते हैं, बिहार है, बिहार में ऐसे आंदोलन आज नहीं लगातार होते आए हैं। मैं तो आपके कैबिनेट का सदस्य भी रहा हूं लगातार 8 वर्षों तक, और आप जब मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले उसी जंगल राज के खिलाफ आप भी धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, जिसकी चर्चा आदरणीय हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने की है, और उस समय भी ऐसी बात होती थी, लेकिन उससे भी बद नहीं बदतर स्थिति में आप जाकर के जो 13 जुलाई को आपने करवाया है, हमें लगता है कि बिहार की जनता कतई माफ नहीं करेगी। आज मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से भी मैंने बात की है, मिला है, नमीर कल के मैंने सारी बातें उनको भी बताई है, ऐसे वह उस दिन ही सेम जिस दिन लाठी लगी थी चली थी उस दिन स्वयं दूरभाष पर हालचाल लेने का काम एक गार्जियन के नाते उन्होंने किया था, हमारे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के अलावे। आज मैंने प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन को भी मैंने बात किया है, और यह पूरे मामला प्रिविलेज कमेटी की बनती ही बनती है, क्योंकि सांसद कहने के बाद भी आप लाठी बरसाने का काम किया है, इसको हमें प्रिविलेज कमेटी में भी ले जा रहे हैं, और उसमें कोई भी जो दोषी अधिकारी पदाधिकारी, चाहे उनके डीजीपी हों, चाहे चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे सीनियर एसपी हों, या फिर उनके जिलाधिकारी हों, अन्य भी उनके जो गुर्गे अधिकारी हैं जो गुंडे के जैसा बर्ताव किया है, हमें लगता है कि प्रिविलेज में वो आएंगे ही आएंगे, तो फिर उनको उसका जवाब देना पड़ेगा।